टेकटॉक पे दिलालित। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम स्टूडियो 5000 में बेसिकली कंप्यूट मैथ इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करते हैं। यानी कंप्यूट मैथ का मतलब ये होता है कि हम तो वैल्यूज को एडिशन देना है, यानी ऐड कराना है तो कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, इस तरीके से हम काम करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राइट सो देखिए आप यहाँ पर, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि मूव इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करते हैं, टाइमर्स काउंटर यूज कैसे करते हैं, तो उसी का एक अगला पार्ट है कि हम किस तरीके से कंप्यूट मैथ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कंप्यूट मैथ इंस्ट्रक्शन में सीपीटी इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कंप्यूट इंस्ट्रक्शन देन एडिशन। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एडिशन इंस्ट्रक्शन होता है, देन सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, देन फिर आगे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो एंड स्क्वायर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या है इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं, इनको यूज कैसे करना है, उसी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक टैग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोलर टैग में एक टैग क्रिएट कर लीजिए, जिससे कि आप एक इनपुट अगर देंगे तो किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन रहेगा। तो इनपुट में यहाँ से एक एलाइस में डिफाइन कर लेता हूँ, जिससे कि जो भी इनपुट आप देंगे तो उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। आप कंप्यूट मैथ को बेसिकली टाइमर काउंटर के साथ यूज कर सकते हैं। पहले मैं इसका यूज बता देता हूँ कि इनका पर्पज क्या होता है। कि इंडस्ट्री में अगर आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी हो तो कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूट मैथ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि अगर कोई भी बॉक्स है उसके अंदर कितने बॉक्स है, कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर आपको टोटल काउंट करना है तो आप काउंटर लेते हैं, लेकिन साथ में आपको अगर टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये सारे मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। स्केलिंग करना होता है, एनालॉग प्रोग्रामिंग करनी होती है, उसमें भी हम इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। तो कंप्यूट मैथ अपने आप में काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्शन हैं जिनका कि यूज हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं, डेवलपमेंट में करते हैं। तो एक एक करके मैं आपको इन इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। तो ये कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप लेते हैं, जैसे मैंने ऐड इंस्ट्रक्शन ले लिया, तो आप इस इंस्ट्रक्शन में देख पा रहे होंगे इस इंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली क्या है कि एक सोर्स ए होता है, सोर्स बी होता है और डेस्टिनेशन। इसका मतलब मिनिमम दो वैल्यू तो चाहिए जिसको कि ये ऐड कर सकता है और रियल डेस्टिनेशन पर दे सकता है। तो बेसिकली सोर्स से, सोर्स बी क्या हो सकता है, फील्ड से कोई भी सेंसर से वैल्यू आ सकती है, जैसे टेम्परेचर सेंसर, लेवल सेंसर, प्रेशर सेंसर, फ्लो सेंसर, या किसी एक टाइमर ले सकते हैं। टाइमर की वैल्यू को आप एडिशन करा सकते हैं, आप चाहते हैं काउंटर की वैल्यू को एडिशन कराना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि हम डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू को कैसे, अगर इंटीजर पे कुछ वैल्यू पड़ी हुई है तो उनको ऐड कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको कंट्रोलर टैग में इंटीजर टैग बनाने पड़ेंगे, जैसा कि आप पहले भी इसको देख चुके हैं किस तरीके से बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इंटीजर 0 एक टैग क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ से इंटीजर 0 1 नाम का एक टैग क्रिएट कर लिया। राइट, इसी तरीके से आप एक और टैग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इंटीजर नंबर 2, क्योंकि अभी आपको टोटल 3 टैग चाहिए, क्योंकि 3 टैग का मतलब है सोर्स ए, सोर्स बी एंड डेस्टिनेशन। तो आप यहाँ से सोर्स ए देख लीजिए, इंटीजर 0 ले लिया, सोर्स बी में आप यहाँ से ले सकते हैं इंटीजर नंबर, आप यहाँ से 1 ले लीजिए। राइट, इसी तरीके से डेस्टिनेशन में आप चले जाइए 2 ले लीजिए। तो अभी मैं आपको फ्रेंड जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि इंडिविजुअल अगर इंस्ट्रक्शन है तो आप कैसे यूज करेंगे, बाकी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के साथ भी मैं यूज करके बता दूंगा जिससे कि आप प्रोजेक्ट डेवलप कर सकें। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक आपको इनपुट चाहिए, जैसा कि मैंने एक टैग क्रिएट किया ही था, तो एक यहाँ से मैंने एनो इंस्ट्रक्शन ले लिया और इनपुट का एड्रेस दे दिया। अब जो वैल्यू मेरे को देना है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन एडिशन इंस्ट्रक्शन है, कि जो भी सोर्स ए पर वैल्यू होगी वो सोर्स बी के साथ ऐड होगी और रिजल्ट हमारा डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो इसको फिर यहाँ से फिलहाल आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिए, एग्जीक्यूट करा के चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं। तो एक एक करके मैं सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। तो कंप्यूट मैथ में अभी फिलहाल जो मैंने लिया है वो ऐड इंस्ट्रक्शन लिया है। ऐड मतलब कोई भी दो वैल्यूज को ये ऐड कर सकता है। वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं, इंटीजर पे वैल्यू हो सकती है, डबल इंटीजर एड्रेस पे वैल्यू हो सकती है, या वैल्यू आपकी हो सकती है टाइमर्स की हो सकती है, काउंटर्स की हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैंने 20 यहाँ दिया, देन 32 यहाँ पर दिया। जैसे ही मैं ये इनपुट प्रेस करूंगा तो उसके बाद क्या होगा, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो उसके लिए यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को इनेबल करना पड़ेगा। आप देखेंगे 20 एंड 32 टोटल रिजल्ट यहाँ पे 52 आ गया। इसी तरीके से फोर्स ऑफ किया, अगर आप चाहते हैं कि कोई और डिफरेंट वैल्यू होना चाहिए, 32 जैसे सोर्स एक ही वैल्यू कर दी मैंने, तो
यहाँ पे जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो दोनों का रिजल्ट 64 आ गया। इस तरीके से हम ऐड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। आप चाहते हैं